एक बार में 10 मिर्च? नहीं, मुझे तो एक से भी डर लग रहा है। तुम लोगों ने अभी तक मेरा हिस्सा नहीं देखा है। 100 तीखी मिर्च, उफ भयानक। हिम्मत से काम लो, हमें यह करना होगा। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। यह रहा, मुझे लगता है मैं ज्यादा ही आश्वस्त हो गई थी। Oh my God! मोनिका, अब तुम्हारी बारी है इसे झेलने की। Yes. क्या तुम्हें यह देखना जरूरी था एमा? असल में मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे एक स्मूदी बनाऊंगी और जल्दी से पी जाऊंगी। पता नहीं यह कैसा होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके सब उतनी जल्दी एक साथ मिला दूंगी। हो गया। Stop! रुको मोनिका, तुम कुछ भूल रही हो। यह रहा, अब अपने ड्रिंक के मजे लो। यह छाता रास्ते में आ रहा है। बहुत तेज, शाबाश। अब गर्मी बढ़ रही है। आग लगी है। यह असली फायर शो की तरह था मोनिका, और इसका मतलब है कि मैं सोच रही थी कि तुम लोग भूल जाओगी कि मैंने अभी तक नहीं खाया है। ओह चलो भी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। आगे बढ़ो और अपना मुंह खोलो। और यह एक और, दूसरा। बस बहुत हो गया। ओ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। यह अजीब है। थोड़ा और चाहिए? धन्यवाद एमा, पर मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तुम लोग बाकी का ले सकती हो। ओ नहीं, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। नींबू के इस पहाड़ के बारे में सोचकर ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पर हंसना बंद करो और अपना खाओ। ओ, इतना ज्यादा खट्टा से मेरी हालत खराब हो रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम पहले की तरह खुश नहीं हो। मोनिका, अब तुम शुरू करो। दोस्तों देखो क्या हुआ, एक चिड़िया है, अब वो उधर है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे जाल में फंस गई है, मुझे इनसे जल्दी छुटकारा पाना होगा। या क्या? आह, नींबू। ओह कितना खट्टा। पता नहीं मैंने इतना सब कैसे संभाला। okay. लगता है कि मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं अभी वापस आती हूँ। शायद तुम्हारा कुछ खो गया है। यह लो। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद सुजी, मेरा हो गया। एमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर अब तुम्हारी बारी है। इतना सारा नींबू का रस, चबाओ चबाओ चबाओ। दूसरा लो। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद। मैं भी भाग लेना चाहती हूँ। अब तुम लोगों की वजह से मैं एक नींबू के पेड़ में बदल गई हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखो, ओह बबल गम। वाह, मुझे यह पसंद है। यहाँ और कुछ भी है? मुझे यह साइज बहुत अधिक पसंद है। अद्भुत, मुझे लग रहा है कि कुछ खास मेरे लिए इंतजार कर रहा है। देखो ये कितना विशाल है। अब बातचीत बहुत हो गई, चलो शुरू करते हैं। खट्टा सेब मुझे पसंद है। लगता है मोनिका बस खाने में खो गई है। मुझे इससे बाहर कर देना चाहिए।
Oh no! ये मेरे मुंह में क्या आ गया? एक बग, हटो यहाँ से। इसे तुम्हें मुझ पर ही फेंकना था। यह जानना चाहिए कि कब झुकना है। आशा है कि यह गम मेरे मूड को खुश कर देगा। अरे हाँ, यह बेहतर है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। यह कमाल का है। मुझे यकीन है कि मेरा हिस्सा और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। क्या तुम लोग देख रही हो कि कितना है और इसमें अनानास का स्वाद है। तुम इतना सारा नहीं खा पाओगी एमा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यह संभाल लूंगी। क्या तुम लोग एक विशालकाय बबल को देखने के लिए तैयार हो? तो फिर देखो। बहुत अच्छा है ना? यह वास्तव में मजबूत है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। अब मैं इसे और नियंत्रित नहीं कर सकती। इसे मुझसे दूर रखो। माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। कितना प्यारा पॉपिच है। कितने शर्म की बात है कि तुम्हें केवल एक मिला है। मेरे कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है ना? What? मुझे लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मुझे अपने पॉपिट के साथ खेलने का बहुत मन हो रहा है, इसलिए क्या? चॉकलेट। मेरा खाने योग्य है। तुम्हें मिल बांट कर खाना सीखना चाहिए। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब सब खत्म हो गया। और यह प्लेट मेरी है। मुझे तुमसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। शायद मोनिका शेयर करे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? इसे खा नहीं सकते। मेरे पास खेलने के लिए असली खिलौने हैं। बहुत बढ़िया। वह क्या कर रही है? धैर्य रखो दोस्त, तुम जल्दी देखोगी। एक पॉपिट क्यूब। ये एक आधुनिक चमत्कार है। बहुत बढ़िया। वाह, तुम लोगों को मेरी प्रतिभा की कद्र ही नहीं है। ओ, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए है। What? और बहुत सारे और आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे चाहिए। शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। मुझे पता था कि मुझे भूखा नहीं छोड़ा जाएगा। ओह, यह गमी ट्रीट है। मुझे भी बेकार क्यूब नहीं चाहिए। मुझे भी गमी कैंडी चाहिए। अरे, यह सब मेरा है। तुम पीछे हटो। यह मेरा है। ठीक है, बाय। हमारे लिए अभी भी बहुत सारे हैं। मैं यह भी ले रही हूँ। इसे कहते हैं बड़ा बर्गर। मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हारी कौन परवाह करता है? देखो, मात्रा नहीं बल्कि स्वाद मायने रखता है। और मुझे विश्वास है कि मेरा बर्गर लाजवाब होगा। मैं इसे खाने जा रही हूँ। इसमें से कुछ गिर गया। आखिरकार मेरी बारी। ये बर्गर इतने बड़े और भारी है कि इन्हें नहीं पकड़ पा रही। इन्हें खाने के लिए मुझे बेहतर तरीका अपनाना होगा। ध्यान से चुभा मत देना। मेरे पास करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम है। अब यह बर्गर कबाब की तरह लग रहा है। बहुत अच्छे से किया। सब हो गया। उफ, मुझे इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होने वाला है।
पर यह स्वादिष्ट जरूर होने वाला है। तुम जंगली जानवर की तरह खा रही हो। मुझे अभी स्वाद लगा है। तुम ठीक तो हो ना? अपनी प्यारी तोंद को देखो। मुझे ये पसंद है। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। अरे नहीं, मिर्च नहीं। अब तो चीजें गर्म होने वाली हैं, खास करके मेरे लिए। मैं पहले शुरू करती हूँ। एक मिर्च और बहुत सारा पास्ता। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक रहेगा। आह, यह तीखा है। ठीक है, यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अब मैं अपना सारा बचा हुआ नूडल्स खाऊंगी। अगर मैरी ने इसे संभाल लिया तो मुझे भी करने में सक्षम होना चाहिए। तुम बहुत गंदे हो गए हो एंडी। या उस मिर्च का दोष है, उसी की वजह से ही हुआ। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? मैं खाना शुरू करती हूँ। आग लग गई। अच्छी बात है कि मैं हमेशा अपने आसपास एक आग बुझाने वाली मशीन रखता हूँ। ओह, अब ठीक है, आग बुझ गई। धन्यवाद एंडी। कौन कौन फोम पार्टी के लिए आना चाहता है? मुझे पता है, मैं हूँ। फिर से खाना नहीं? मैं इसे जल्दी से ठीक करती हूँ। What? मैरी, तुमने बस एक छोटा सा डोनट ही मुझे क्यों दिया है? क्योंकि बाकी सारा मैंने अपने लिए बचा रखी है। यह तो गलत बात है। यहाँ तो मुश्किल से कुछ भी है खाने को। बस एक दो बाइट। इसके वजह से तुम जल्दी से खत्म कर पाए। जैस, अब तुम्हारी बारी। तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं इस डोनट से शुरू करूँ। आह, मैंने अपनी उंगली काट ली। तुम्हें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी बारी है। ओह, मैं हमेशा से जगलिंग करना चाहती थी और यह बिल्कुल सही समय लगता है। ओह, ध्यान से मेरी, तुम जगलिंग नहीं कर सकती हो। बस रुक जाओ। अब देखो कि तुमने क्या किया है। ओ, मुझे माफ कर दो। What? यह गुब्बारा किस लिए है? वाह, इसके अंदर एक शक्कर है। Wow. बढ़िया है। स्वादिष्ट। आह, मेरे दांत। मुझे भी एक शक्कर चाहिए। यह मुझे एक मिनट के लिए दो। वाह, इतना सारा। देखो, यह उन सभी को एक साथ खाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। ओ, ढेर सारी स्वाद एक साथ। अब मेरे लिए। वाह, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मिला है। एक पूरा कटोरा भरकर। सपने सच में सच होते हैं। मैं तो इसमें स्नान कर सकती हूँ। अच्छा विचार है। मैं कुछ स्वादिष्ट पानी की कामना कर रही हूँ। यह काम कर गया। चॉकलेट। तुम भाग्यशाली हो। मैं रुक नहीं सकती। मुझे यह बहुत पसंद है। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है और मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं इन सबको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ, अभी तक का सबसे अच्छा गर्म कोको। बस एक ही कमी है, स्ट्रॉ की। इस कटोरे में पूरे स्वर्ग का सुख समाया हुआ है। और यह इसके साथ खाने के लिए चॉकलेट बार भी है। बहुत स्वादिष्ट। अब यह कुछ और है।
मेरा पेट पूरा भर गया है। अरे जरा इधर देखो, मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था। अरे यार, यह तो बहुत ज्यादा है। और इसका हर अंतिम टुकड़ा मेरा है। मैं इसे एक बड़ा मीठा टावर बनाने जा रहा हूँ। यह प्रभावशाली है। मुझे यह पता है, अब समय है इसे खाने का। तुम बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, है ना एंडी? मैरी, तुमने इसे गिरा दिया। हालांकि कौन परवाह करता है, इससे इसका स्वाद तो नहीं बदल जाएगा ना। मुझे पता नहीं कि अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। कोक, बहुत बढ़िया। मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या सच में यह टूट ही गया? ठीक है, फिर समय है इस उपकरण के उपयोग करने का। अभी तक इसमें से कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यह एक सेटअप था। अब मैं पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक सोडा से भींगी हुई हूँ। अब मैं बटन दबा कर देखना चाहती हूँ। इतने सारे कैंस, मुझे इस राउंड के लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रॉ की जरूरत होगी। यह जीनियस आइडिया है जेस, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं एक बार में सभी 10 कैन को पीकर खाली कर सकती हूँ। हो गया, अब मैं ही बचा हूँ। अरे वाह, कोका कोला की एक पूरी दीवार। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो सारे पी जाऊंगा। कुछ आखिरी काम और हो गया। एंडी, मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा सरप्राइज है मेरे दोस्त। एक पूरा पैक मेंटोस का। यह मजेदार होने वाला है। यह क्या? माफ करो, मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ ऐसा जिससे मेरा पेट पूरा भर जाए। लेकिन पहले इसमें कुछ चीज डालने की जरूरत है। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ। उंगली चाटकर खाने लायक, बहुत बढ़िया। मैं भी और चीज के लिए ना नहीं कहूंगी। आखिर इसे कौन मना कर सकता है? मेरे तो जीभ में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। चीज का इतना बड़ा टुकड़ा, वैसा ही जैसा कि मुझे चाहिए था। अब काम पर लग जाता हूँ। ओह, मेरे हाथ थक गए। और वास्तव में मैं भी। मैरी, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है नाश्ता करने का। हाँ, इसे छोड़ नहीं सकते। यह तो चीज का पहाड़ है। ओह हाँ, यह अद्भुत था। हाँ, क्या मेरा पिज्जा कहाँ गया? वाह, हॉट डॉग्स। मेरे पास बस एक छोटा सा है। मैरी के पास तो इतना खाना है कि वो पूरे कॉलोनी को खिला सकती है। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ मिला हो उसका आनंद न लिया जाए। मैं तुम्हारे फिलॉसफी के आधार पर कोशिश करता हूँ। एंडी, तुम बहुत अनाड़ी हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हॉट डॉग बहुत फिसलता है। मैं निश्चित रूप से इस समस्या में पड़ना नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रेड की जरूरत है। हाँ, अब यह सही है। इसमें से अब कुछ नहीं गिरेगा। यह अंतिम टुकड़ा, इसे कहते हैं प्रदर्शन। अच्छा, तो क्या तुम तैयार हो? तो चलो। तो मैं क्या निकालूंगा?
ऑस्टिन ने बाहर निकाला गंदगी। ओह, क्या वो सचमुच ऐसा करने जा रहा है? मैं इस सामान को छूना चाहती हूँ। छी, यह कितना गंदा है। हाँ, यह बहुत घिनौना है। क्या ठीक है, हिम्मत जुटाओ और गोता लगाओ। अरे नहीं, वो गंदगी में ढका हुआ है। अरे नहीं, कितना भयानक है, मैं पूरा भूरा हो गया हूँ। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ऑस्टिन। अरे हंसना बंद करो तुम लोग, कितना घिनौना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, बच सकते हो तो बचो। तो सब ठीक है, चलते हैं। प्लीज किस्मत मेरे साथ रहना। तो बेटी को मिलता है आटा। बस बेटी आगे बढ़ो। देखो ऑस्टिन, वह कितना सफेद है, बर्फ समान। अरे तुम क्या कर रही हो, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। हे, वे वहाँ क्या शोर कर रहे हैं? सब ठीक है बेटी, परेशान मत हो। मैं सफेद रंग में हूँ। अब यह तुम्हारे लिए दोस्तों। तुम क्या कर रही हो बेटी? अच्छी, मैं रुक नहीं पा रही हूँ। अच्छी, तो क्या तुम तैयार हो बैला? और बैला ने निकाला है खीरे का अचार। और वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, और सामने से वो और भी खराब दिख रहा है। ले लो बेटी। ये सब बंद करो ऑस्टिन, मेरा क्या इंतजार कर रहा है? क्या अजीब महक है, कुछ बुरा मेरा इंतजार कर रहा है। चलो ऑस्टिन, बैला की मदद करो। कितना घिनौना है, मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। कितना खराब। तुम बहुत अच्छी लग रही हो बैला। मुझे इस घिनौनी गंध से कैसे छुटकारा मिलेगा? बेचारी बैला। और इसका स्वाद इतना बुरा नहीं है। क्या मैं भाग्यशाली हो सकती हूँ इस बार? और बैटी ने निकाला है बबल्स। अरे वाह, कितना अच्छा है। ठीक है, चलो चलते हैं। ओह, आराम से बैटी, तुमने हम सभी को स्प्रे किया। वाह, हम एक फोम पार्टी कर रहे हैं। ओह, बैटी कहाँ है? देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं फोम में ढकी हुई हूँ। वाह, मुझे फोम पसंद है। और मुझे भी। मैं तैयार हूँ। और ऑस्टिन को मिलता है कुछ तीखा। हाँ, और मैं ऑस्टिन की जगह नहीं रहना चाहूंगी। पता नहीं उसे तीखे नूडल्स का स्वाद कैसा लगेगा। ओह, मेरा हाथ जल गया। खैर ऑस्टिन तैयार हो जा। ठीक है, चलो चलता हूँ। ओह, यह क्या है, नूडल्स? मुझे वो पसंद है। ओह, यह कितना तीखा है। ओह, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है। कितनी जलन हो रही है। ओह, हमें उसे दूर रहना चाहिए। उसका चेहरा देखने लायक है ना बैला? हमें ड्रॉ से पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि बेटी को कुछ स्वादिष्ट मिला है। पता नहीं किया क्या है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। अरे बैला देखो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं गोता लगाने जा रही हूँ। वाह, कितना मजेदार है, सुपर। चलो तुम्हें और भी अधिक स्मेयर करते हैं बेटी। वाह, बस कमाल का। यह स्वादिष्ट भी है। देखो मैं मीठी क्रीम में ढकी हुई हूँ। ओह, देखो वहाँ क्या है। तो तुम कहाँ जा रहे हो बैला? चलो बॉल निकालो। क्या मैं भाग्यशाली हो सकती हूँ? और बैला को मिलता है नींबू। चलो चक्कर देखती हूँ। कितना खट्टा। तुम यह कर सकती हो बैला, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो चलो,
कितना खट्टा। ओह, मेरी आंखें। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। ये कौन है? क्या ये तुम हो ऑस्टिन? ओह बेला, अरे नहीं, ये क्या है? कोई फेंस? आउच, चोट लग गई। ओ बेचारी बेला, पता नहीं इस बार मैं क्या निकालूंगा। ऐसा लगता है कि ऑस्टिन कुछ दिलचस्प की प्रतीक्षा कर रहा है। बेचारा ऑस्टिन। अच्छा चलो कोशिश करते हैं। ओ, मुझे लगता है कि मैं फंस गई हूँ। मुझे देखने दो। बेला, ऑस्टिन गिर रहा है। तो ठीक है, चलता हूँ। यह क्या है? यह अजीब है। अरे मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं, मेरी मदद करो बेला। अरे मुझे छोड़ दो ऑस्टिन। अरे नहीं, अब मैं भी फंस गई हूँ। मैं अपना हाथ नहीं हटा पा रही। नहीं, अरे यहाँ से हटो। ओह कितना भयानक। ओह, आशा करती हूँ कि मेरे साथ कुछ भयानक ना हो। रोना बंद करो बेला, गेंद बाहर निकालो। ऐसा लग रहा है कि यह ठंडा होने वाला है। ओप्पा, यह मजेदार होगा। यह अच्छा नहीं लग रहा है। छू कर देखती हूँ। अरे नहीं, मेरी उंगली जम गई है। चलो गर्म हो जाओ मेरी बिचारी उंगली। तो मैं तैयार हूँ और शुरू करती हूँ। आह कितनी ठंड है। उसे पकड़ो ऑस्टिन, हमें उसे यहाँ से तेजी से निकालने की जरूरत है। ओह ये बहुत भारी है। चलो दोस्तों मुझे बाहर करो प्लीज। आखिरकार वह निकल गई। चलो बेटी, बाय बाय बेला। अरे मुझे यहाँ मत छोड़ो। ओह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह मुझे डर लग रहा है। चलो बेला, ज्यादा नखरे मत करो। और बेला को एक तरबूज मिला। वाह कितना अच्छा। मुझे एक टुकड़ा चाहिए। ओह ऐसा लग रहा है कि वो कूदने वाली है। ओह मेरा क्या इंतजार कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमें बेटी की मदद करने की जरूरत है। बेला मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। हाँ हाँ जाओ भागो। वाह यह मैंने जैसा सोचा था उससे भी आसान निकला। यह कितना स्वादिष्ट है। अरे तुम क्या कर रही हो बेला? क्या तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा था? यह काम नहीं करेगा। मैं किसी को तरबूज नहीं दूंगी। यह सब मेरे हैं, सिर्फ मेरे। चलो ऑस्टिन, समय बर्बाद मत करो। पता नहीं ऑस्टिन के लिए क्या इंतजार कर रहा है। कुछ अजीब। यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो ऑस्टिन, ठीक है चलो चलते हैं। उफ, ऐसा लग रहा है कि चोट लगी है। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अच्छे लग रहे हो ऑस्टिन। ओ सच में बहुत दर्द हो रहा है। सावधान रहो ऑस्टिन, अब बहुत देर हो गई। बाय बाय। वह खुश नहीं लग रहा है। वाह इसे कहते हैं म्यूजिक। ए रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? सूजी तुम क्या कर रही हो? और ये कौन लोग हैं? तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकती। इस बात को हम मान गए हैं। ये वर्कर्स हैं और ये सब मेरे हिस्से को सजाने की मेरी मदद करेंगे। सजाना है? तुम्हें इतने सारे वर्कर्स की क्यों जरूरत है? तुम्हें महल नहीं बनाना है? ये तुम्हें कैसे पता? शायद महल ही हो। मुझे ये प्लान दो। ए, इसे वापस करो। रुको, तुम सीमा पार नहीं कर सकती। है ठीक है, मेरा काम हो चुका है। हो गया, हमारा पैसा कहाँ है? ये रहे पैसे। धन्यवाद।
ये कैसा प्लान है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे एक कमरे को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं कुछ ही समय में अपने लिए बिस्तर के नीचे एक अच्छा घर बना लूंगी। और किसी वर्कर की जरूरत नहीं है, हालांकि ये मेरे तकिए को रखना नहीं चाहते। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा आइडिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती चोर कहीं की? ये तुम्हारा आइडिया नहीं था कि बिस्तर के नीचे घर बनाना है? तुम मुझे दोष मत दो। खैर, मेरा घर ज्यादा अच्छा है। उफ, मुझे पता है और इसके बारे में कुछ करना होगा। देखो जैस, तुम्हें जलन हो रही है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। असल में मैं भी अपने लिए एक अच्छी जगह बनाऊंगी। वाह, खिलौनों पर डिस्काउंट। मुझे इस स्टोर पर जाना चाहिए। हाथ हटाओ, कुछ भी मत छुओ। तुम इसे केवल देख सकती हो। ठीक है ठीक है, मैं बस देख रही थी। कोई भी मेरे खिलौनों की छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ। यह हगी वगी है। हाथ हटाओ। हाँ हाँ, मुझे याद है। वाह, यहाँ तो इतना बड़ा हगी वगी भी है। बेशक मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। अभी गार्ड नहीं देख रहा है। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? हेलो दोस्त, कैसे हो? खिलौना बात कर रहा है, बचाओ! मुझे तुरंत अपने सीक्रेट रूम में जाना होगा। कितना भयानक! आशा करता हूँ कि कोई मुझे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। ओह, मैं यहाँ रिलैक्स कर पाऊंगा। हेलो प्यारी छोटी बत्तख, तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या क्या देखा है। कितना डरपोक गार्ड है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं सारे पैसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे यकीन है वह काफी होंगे। हे सूजी, अब मेरे पास भी अपने रूम को सजाने के लिए कुछ है, और यह सच में बहुत अच्छा है। यह हगी वगी बेड है। हाँ, जैस अजीब तरह की है। अब एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए पोस्टर और दूसरी तरह की अच्छी चीजों से कमरे को सजाने का समय है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, मेरा कमरा तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं कमरे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कोई तरीका निकालूंगी, पर इसके लिए मुझे कहीं जाना होगा। तुमने यहाँ क्या बनाया है? पापा, क्या मैं आपका बैग ले सकती हूँ? मुझे गुलाबी बैग चाहिए, या बैकपैक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यारे हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है। असली महल बनाए गए हैं। हाँ, वह कौन है? जैसे कि मैं डरी थी, हगी वगी सभी बाहरी लोगों से अच्छी सुरक्षा है। गुड आफ्टरनून, मैं अपना एसी ले आई हूँ, क्या आप इसे चेक कर लेंगी? जरूर। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। सुनिए, आपको जरूर भूख लग गई होगी, क्या आपको यह सेब चाहिए? मेरे पास एक पड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं। ओ सॉरी, यह गलती से हो गया, अगली बार हाथ में देना। यह मौका है। माफ करना, लेकिन मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे ढूंढ लिया। अरे सूजी, तुम कहाँ हो? और मेरा बोर्ड कहाँ है? अब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका जानती हूँ। यह रहा, यह लो चोर, तुमने सेब कहा? यह रहा सेब तुम्हारे लिए, और यह बोर्ड के लिए। ओह, मोनिका पावर। जैस, अब मेरे पास तुम्हारे पोस्टर की तुलना में कुछ ज्यादा अच्छा है। मैं खुद कोई भी पोस्टर बना सकती हूँ। देखो और मुझसे जलो। क्या, तुम्हें बोर्ड कहाँ से मिला? और तुम्हें ये क्यों चाहिए? तुम्हें वैसे भी कुछ बनाना नहीं आता। क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें अब मैं दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही? अच्छी यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें हमेशा ऐसे दिखना चाहिए। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से अब मुझे जाना होगा। बोर्ड वाला मेरा आइडिया कमाल का था। एक विशाल ड्राइंग से बेहतर क्या हो सकता है जिसे हमेशा बदला जा सकता है। अब सिर्फ अपने कमरे को बहुत सारे खिलौने से सजाना बचा है, जैसे कि यह लैंप जो यूनिकॉर्न शेप में है। वैसे अब तुम इसे खरीद भी नहीं सकती, सारे बिक चुके हैं। लैंप? जब लाइट्स की पूरी चेन हो तो उस लैंप की किसी जरूरत है? देखो यह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, यह सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरा यूनिकॉर्न बेचारा सा दिख रहा है, वो पक्का है। मेरे लाइट्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ अच्छा चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ मिल सकता है। मेरा एक छोटा सा दोस्त है। मैं हल्क हूँ, दुष्ट और डरावना हल्क। हाय क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे वो टेडी बेयर चाहिए, क्या मैं ले लूँ? मेरा टेडी बेयर? पर मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए नहीं, तुम नहीं ले सकती। No. तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? और अगर मैं तुम्हें कुछ दूँ तो, जैसे कि न्यूट्रेला? बेशक मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि एक छोटा जार है और बेयर बहुत बड़ा। तुम कितने लालची हो। और ये चिप्स कैसा रहेगा? बड़े प्रिंगल्स? चिप्स? हाँ, मैं चिप्स को मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना काफी नहीं होगा, मुझे कुछ और चाहिए। और मेरे पास केवल एक बकेट आइसक्रीम बची है, इससे काम चलेगा? वाह हाँ, इसे यहाँ दे दो। क्या मैं टेडी बियर ले सकती हूँ? ठीक है, बस मुझे मेरी आइसक्रीम दे दो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद क्विंटन, मैं जा रही हूँ। ए, यह क्या है? आइसक्रीम किधर है? तो तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्विंटन को धोखा देने का मतलब क्या होता है। मुझे तुरंत अपने केबिन में जाना है। देखो मेरे वफादार सहायक, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। उसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, जैसे कि उसकी तस्वीर पर मूंछ बनाना। मैं दुष्ट जीनियस हूँ, तुम्हारे साथ सही हुआ। झूठी सूजी, जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आई कि मैंने उसे धोखा दिया है। पर मैं भालू लेने में कामयाब रही, और मैं अपने लिए बादल बना पाऊंगी। अलग अलग रंगों से चमकेंगे मेरे बादल। ये कितना सुंदर है, मुझे तो लगता है कि नाइट लाइट किसी भी माला से बेहतर है। कितना बोरिंग है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओ सूजी, पता नहीं वो क्या कर रही है, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे पक्का इस सीढ़ी की जरूरत होगी। ओह, कितनी आवाज आ रही है और कितनी धूल। खैर, मैंने अपनी शानदार योजना को असलियत में लाया, यह कागज से भी बेहतर निकला। यह मेरा ड्रीम बेडरूम है। तुमने क्या किया सूजी, तुमने यह सब क्यों बनाया है? ताकि मेरे पास अपनी जगह हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ सोच सकता हूँ। ओह, इतना कचरा, और यह यहाँ कैसे आया? शायद मैं इसे हटाना भूल गया। यह क्या हो रहा है? ये सभी रैपर कहाँ से आ रहे हैं? मेरा सिर। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? अब मैं अपनी योजना को असलियत में बदलूंगा, लेकिन अभी तक यह वैसा नहीं दिख रहा है, यह थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं इसे बाद में कर लूंगा। देखो सूजी, मेरी जगह भी तुम्हारी तरह सुंदर है। हाँ कुछ भी। जब जैक सो रहा होगा तब मैं उसका तकिया चुरा लूंगी। तुम क्या कर रही हो सूजी? यह मेरा है, यह वापस दो। इसके बारे में सोचना भी मत, अब सारे तकिये मेरे हैं। कुछ भी मत कहो, यह मेरे भी हैं। इसे छोड़ो, तुम तकिया फाड़ दोगे। हाँ ऐसा ही होना चाहिए,
अगर तुम्हें शेयर नहीं करना है तो ये लो। चलो ठीक है, मेरे पास और भी कई सारे तकिए हैं, मैं इनका क्या करूँगा? ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है क्या करना है। स्वादिष्ट लंच तैयार है? बेशक टर्की बढ़िया होता है, लेकिन मुझे अभी यह नहीं चाहिए। मैं ये टेबल क्लॉथ लेकर भाग जाता हूँ। उप्स, खैर कोई बात नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? प्लेटें फर्श पर क्यों पड़ी है? मेरा शानदार लंच बर्बाद हो गया। ओ, मुझे जाना होगा, बाय बाय। मुझे शांत होना होगा और वो भी जल्दी। ओह, यह कितना अच्छा है, मेरे पास पॉकेट्स का कमरा है, ये मुझे शांत होने में मदद करते हैं। वाह, यह झूला तो कमाल का आइडिया था। और अभी हम एक ज़ॉम्बी पार्टी कर रहे हैं, डरावना है ना? ओह, यह क्या है? जैक, मैं भी तुमसे वो जानना चाहती हूँ। यह क्या है? उड़न तस्तरी की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। सूजी, यह काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ओ, एक सेकंड रुको, मैंने कुछ देखा जो मुझे चाहिए। मैं अभी भी यहाँ हूँ। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे जरूर हल करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे इन पेपर की जरूरत है। चोर, अब तुम मुझसे बचोगी नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल रही हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। तुम बदमाश, बस बहुत हो गया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वाह, मुझे सच में इन पेपर की जरूरत थी, ये कितने सुंदर दीवार बन गई, मैं बस इसे छूते रहना चाहती हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। लगता है जैक कहीं चला गया है। अच्छा है, अब कुछ खाना चाहिए। यह अच्छा है कि मेरे फ्रिज में हमेशा ढेर सारे चॉकलेट होते हैं। जैक, तुम क्या कर रहे हो? चॉकलेट खा रहा हूँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मेरे खाने के पास मत आना। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मुझे मशीन से कुछ स्वादिष्ट निकालना चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? ओह, लगता है कुछ गिरा है। हाँ, यह किटकैट है। वाह, तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और बार हिट करता हूँ। अरे वाह, यह काम करता है, एक के बाद एक चॉकलेट गिर रहे हैं, सुपर। हेलो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि यहाँ क्या हो रहा है? ओ, यह सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने उसे तुरंत नहीं पहचाना, शायद मुझे जाना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा बैज दो। ओ, मैंने गलती से इसे गिरा दिया, जब तक उसका ध्यान हटा हुआ है इसे यहाँ से ले जाता हूँ। हाँ, मुझे अपना बैज मिल गया। वह लड़का कहाँ गया? अजीब बात है, कोई मशीन भी नहीं है। खैर, वह मेरे हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, बस इतना कह सकता हूँ कि आज मेरा दिन नहीं है, मुझे जाकर अपने सीक्रेट रूम में आराम करना चाहिए। मुझे स्मूदी पसंद है, लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। वाह, ओह, बहुत कम बचा है। ओह, मैं कितना थक गया हूँ। यह क्या है, कैंडी मशीन? बिल्कुल, और अब वह मेरा है, यह तुम्हारे छोटे फ्रिज से हजार गुना बेहतर है। लगता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए। स्वीट ड्रीम्स। चलो आगे बढ़ो, यह लो। वाह, मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, ये कितना रोमांचक है। वाह, वो वीडियो गेम मेरी गुड़िया से ज्यादा अच्छी लगती है। जैक, मुझे भी खेलने दो। रुको, वहीं रहो, तुम उस बॉर्डर को पार नहीं कर सकती। जैक, तुम क्या कह रहे हो, यह हमारा कॉमन रूम है। ठीक है, तो मैं तुम पर युद्ध की घोषणा करती हूँ, जल्दी मैं इन बॉर्डर को आगे बढ़ाऊंगी। यह क्या है? अरे नहीं, बॉम्ब। बढ़िया, अब मैं जॉयस्टिक से खेल सकती हूँ। सूजी को अपना रास्ता मिल गया। जिद्दी लड़की, तुमने युद्ध कहा? ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ओह, चोट लग गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे बॉर्डर पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यह लो, मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ क्या हो रहा है, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? ओह, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग एक साथ खेल रहे हो, कितना प्यारा, बहुत अच्छा। अब तुम मुसीबत में हो, यह लो। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसे खत्म करने का समय आ गया है।
चलो देखते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। आहा, मैंने सुजी को देखा, उस पर अटैक करने का समय है। सावधान रहो, मैं रास्ते में हूँ और मेरे पास एक खतरनाक हथियार है। सुजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अरे सुजी, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? अरे नहीं, यह धोखा है, उसने यहाँ नकली पैर रख दिए हैं। मैं उसके चाल में कैसे फंस गया? सरप्राइज जैक, यह लो, तुम्हें मेरे इलाके में नहीं घुसना चाहिए था। मुझे अभी जाने दो, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसा तुम्हें लग रहा है, मैं पहले ही निकल चुका हूँ। हैंड्स अप सुजी, हार मान जाओ। क्या तुमने मुझे गोली मार दी? ठीक है, खेल खत्म हो गया। सुजी रुको, बस बहुत हो गया, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ वह तो है, अब हमारा कमरा पूरा गड़बड़ हो गया है, शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है, मैं खुद भी यही बोलने वाली थी। सुजी उस थ्रो को देखो। मैंने बहुत अच्छा किया है ना? क्या तुम्हें कुछ स्वादिष्ट चाहिए? मेरे पास स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा ट्रक है। धन्यवाद जैक, तुम बहुत केयरिंग हो। अरे कोई बात नहीं सुजी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, चलो साथ मिलकर खेलते हैं। सभी को फिर से नमस्कार। आइए आपको बताते हैं खेल के नियम। लोग बक्सों में छिप जाते हैं और मैं उन्हें अपने औजारों से ढूंढूंगी। मुझे यकीन है कोई भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, मैं अच्छी तरह से छुपी हुई हूँ। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो भी मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं कितनी डरी हुई हूँ, मुझे सुनने की जरूरत है कि वहाँ क्या हो रहा है। ओह, लेकिन मैं एक छेद बनाकर देख सकती हूँ। बढ़िया, अब मैं थोड़ा शांत हो गई हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। मैं एक लक्ष्य की तलाश में हूँ, मैं एक लक्ष्य की तलाश में हूँ। मुझे आंखों की मूवमेंट दिखाई दे रही है, मैं लक्ष्य पर जा रही हूँ। अरे नहीं, वो मुझे देख ली है, मुझे छेद नहीं बनाना चाहिए था। आंख की मूवमेंट नहीं दिख रही, लक्ष्य खो गया। मैं इस बॉक्स को चेक करने की कोशिश करती हूँ। मैं इसे प्लंजर के साथ पकड़ती हूँ और जांचना शुरू करती हूँ। बस ये लो, अगर वहाँ कोई है तो वह ज्यादा देर अंदर नहीं रह पाएगा। मैं पूरे मन से बॉक्स पर कूद रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली थी, उसने अभी भी मुझे ढूंढा नहीं। मैं इस बॉक्स के स्थान पर नहीं रहना चाहूंगी, मैं चुपचाप बैठूंगी चूहे की तरह। हिलो या सांस मत लो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। बॉक्स नष्ट हो गया है, वह खाली है, मैंने लक्ष्य के साथ गलती की है, मुझे खोज जारी रखनी होगी। खैर यह और भी दिलचस्प है। दूसरे टेस्ट के लिए सबसे अच्छा टूल चुनने का समय आ गया है। इस बार मैं वाटर गन चुनूंगी, यह मेरे रंग से पूरी तरह मेल खाता है। नहीं, ऐसा लगता है कि मैं असफल होने के करीब हूँ, मुझे वास्तव में घबराहट हो रही है। ओह, वो बंदूक की आवाज है। पिछली बार मैं भाग्यशाली थी, मुझे उम्मीद है इस बार भी भाग्य मेरा साथ देगी। अरे नहीं, यह हथियार है। बचकाना खेल करना बंद करो, इस बार मैं गंभीर हूँ। एक लक्ष्य की तलाश में हलचल की जांच। हाँ, यह बॉक्स हिल रहा है, वह वही है जो मुझे चाहिए, मैं शूट करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं, ओ नहीं, उसने मुझे ढूंढ लिया। तुम हार गई, हाथ ऊपर, कृपया गोली मत चलाओ। ये खेल के नियम है, एक प्रतियोगी कम, मैं बहुत अच्छी हूँ। अधिक गंभीर हथियार चुनने का समय आ गया है, शायद डायनामाइट। नहीं, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। वाटर बलून? बिल्कुल नहीं, हम खोज जारी रखते हैं। हाँ, लेजर चश्मा सुपर है, इसी की जरूरत है। उन्हें लगाने का समय आ गया है, मुझे यकीन है मुझे सूट करेगी। ओ हाँ, वे बहुत अच्छे हैं। इसे चालू करते हैं और अब शिकार पर चलते हैं। अरे कुछ काम नहीं कर रहा, चलो चलो। लेजर इतना मजबूत क्यों है, इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। ओ, मुझे लगता है मैंने बहुत से बक्सों में आग लगा दी है। है, ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे लगता है कुछ जलने की महक आ रही है, देखने की जरूरत है क्या हो रहा है। कितना बुरा, उसके पास लेजर चश्मा है। ठीक है, ये डब्बे खाली है, तलाश जारी रखना होगा। अरे नहीं, वो मेरी ओर आ रही है, तत्काल कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास एक विचार है, मैं बचाव दल को बुलाऊंगा, वे मुझे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों चुप मत रहो, मैं वास्तव में तुम्हें देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि इस डब्बे में कोई है। अरे नहीं, सिग्नल नहीं मिल रहा है। लूसी हाय, क्या हाल है?
मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं एक बॉक्स में हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह चीखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? मुझे माफ करना लूसी, लेकिन मुझे तुमसे छुटकारा पाना होगा ताकि मैं खेल से बाहर ना हो जाऊँ। ओ नहीं, कोई मुझे कॉल कर रहा है। मैं क्या सुन रही हूँ? फोन कॉल। मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि आवाज यहाँ से आ रही थी। अब देखते हैं क्या मैं सही हूँ। तुम्हें देखकर खुशी हुई। हाय लूसी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। नया दौर, नया हथियार। इस बार मैंने एक हथौड़ा चुना है। कितना दर्दनाक, मैंने अपनी उंगली काट ली। बॉक्स हिल रहा है। ऐसा लगता है मेरे पास एक नया लक्ष्य है। बढ़िया शुरुआत। अरे नहीं, उसने मुझे देख लिया। वो मेरी तरफ आ रही है। मैं आ गई हूँ। मेरे अनुमान का परीक्षण करने का समय है। मुझे तुरंत दौड़ने की जरूरत है। अरे, मैंने बॉक्स में एक छेद बना दिया। मेरे बचने का यही एकमात्र उपाय है। पकड़ लिया। हाहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अजी, ये बॉक्स खाली है, लेकिन मैंने उसे हिलते हुए देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद मैं गलत थी। मुझे और जांच करने की जरूरत है। मैं एक चमत्कार से बच गई। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। इससे पहले कि वो मुझे नोटिस करे, मुझे तुरंत एक नया बॉक्स चुनना होगा। यह सही फिट बैठता है। मैंने इसे खोल दिया। बहुत अच्छा, अब मैं आराम कर सकती हूँ। कितना बढ़िया, आखिरकार मैं सांस ले सकती हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई और भी है। ओह हेलो, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई पहले से है। बम या केक? केक या बम? मुझे लगता है कि चुनाव स्पष्ट है। इस बार मैं बड़ा खेलूंगी। मोशन सेंसर चालू, लक्ष्य की तलाश में। अरे थोड़ा हटो, हमें साथ काम करना होगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। यहाँ मूवमेंट है, मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता है कि बम कहाँ लगाना है। यह क्या है? ओ नहीं, ये टाइम बम है। तुम्हारी वजह से हम ढूंढे गए, हम मर जाएंगे। लगता है कि मैं सही थी। एक साथ दो लोग पकड़े गए, यह अच्छा हुआ। हम हार गए। यह क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम फिर से छुप जाएं। चलो अपनी पूरी ताकत से दौड़ें। कोई फायदा नहीं, मैं तुम लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगी। हम कहाँ हैं? लगता है हम दूर आ गए हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके छिप जाओ, वो यहाँ आ रही होगी। मैं यहाँ खड़ा रहूंगी, मुझे आशा है कोई मुझे देख नहीं पाएगा। कोई मुझे चढ़ने में मदद करो, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। माफ करना, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी तक छुप नहीं पाया हूँ। बेकार फूल, मैं इसके नीचे छिप नहीं सकता। क्या करूँ, अब तो मैं गया। वाह, ब्रश और पेंट, यह मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों यहाँ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। हम इसे एक बेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया, टेडी तुम महान हो। हम फर्नीचर से मेल खाने के लिए खुद को पेंट करेंगे और फिर कोई हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे हाँ, हम बस फर्नीचर में मिल जाएंगे। दोस्तों हेलो, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं अब आ गई हूँ, मैं जल्दी तुम्हें देखना चाहती हूँ। यह अजीब है, ऐसा लगता है कि कमरा खाली है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक नया हथियार चुनने का समय आ गया है। इस बार मैं वाटर बलून का उपयोग कर रही हूँ। चलो देखते हैं कि क्या वे उससे बच सकते हैं। दोस्तों मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसे देखने के लिए बाहर आओ। कोई जवाब नहीं देता। मोशन सेंसर चालू करना होगा। ओह, ऐसा लगता है उसने मुझे नोटिस नहीं किया। देखते हैं यहाँ क्या है। अभी तक यह साफ है, कोई हलचल नहीं पाई गई है। अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओह, आखिरकार मैं सांस ले सकता हूँ। मैं मुश्किल से बच पाया। मूवमेंट डिटेक्टेड, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वाटर बैलून तुम्हारी है। मत करो प्लीज, मैं खेलना जारी रखना चाहता हूँ। ओ नहीं, मैं सिर से पांव तक भींग गया। मुझे दूसरा मौका दो। बढ़िया, केवल दो खिलाड़ी बचे हैं। मैं कितनी अच्छी हूँ। हेलो, उठो, हमें आज बहुत काम करना है। हम जल्दी शिकार पर जाने वाले हैं। कौन इतना भाग्यशाली होगा जो आज तुमसे मिलेगा? मुझे वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। लगता है उसने मुझे नोटिस नहीं किया। आज भाग्य मेरे साथ है। अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि हमारा लक्ष्य कहीं करीब है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो दूसरी तरफ से देखते हैं। अच्छा, उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे लगता है कि पूल से कुछ गंद आ रही है। ये एक बदबूदार पैर है, मेरा दम घुट जाएगा। ये मेरा अगला लक्ष्य है,
बढ़िया, गैस का हमला होने से पहले इसे खत्म करने का समय आ गया है। आगे बढ़ो दोस्तों, तुम जो चाहे कर सकते हो। ओ नहीं, ये तिल चट्टे हैं, मैं उनसे डरता हूँ, उन्हें अब यहाँ से निकालो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, किसी ने जानबूझकर उन्हें पूल में फेंक दिया है। हेलो टेडी, बहुत समय से मिले नहीं, ये मेरे तिल चट्टे हैं, मुझे खेद है कि आपने उन्हें पसंद नहीं किया। खैर, केवल बेटी ही रह गई है। और विशेष रूप से उसके डिजर्ट के लिए मैंने सुंदर केक चुना है। खैर, ये ढूंढने का समय है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा लगता है कि साइट सेंसर ने मूवमेंट डिटेक्ट किया है। किसी प्रकार की अजीब दीवार, यहाँ से बहुत ही असामान्य खुशबू आ रही है, हालांकि शायद मैं बस ये सोच रही हूँ। वह चली गई, भगवान का शुक्र है। मुझे थोड़ा और धैर्य रखना होगा। मेरे पास आइडिया है, हमें नकली बेटी बनाने की जरूरत है, वो जरूर हमारे चाल में फंस जाएगी। मैं इसे यहाँ छोड़ देती हूँ, दीवार के पीछे, भरोसा है ये काम करेगा। और मेरे जाने का समय हो गया, मैं किसे देख रही हूँ, ये बेटी है। क्या मूर्खतापूर्ण बात है, वो सीधे सामने से खड़ी हो गई। बस खेल खत्म, तुम पकड़ी गई, और तुम्हारे चेहरे को इस केक से मिलना होगा। बॉन एपेटिट, इसका आनंद लो, आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझे आश्चर्य, वो बिल्कुल सीधी क्यों खड़ी है, शायद वो सिर्फ चौंक गई है। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, वो मैं नहीं बल्कि मेरी कॉपी है। सिस्टम क्रैश, शॉर्ट सर्किट। मैं जीत गई, हुरे, मैं अंत तक पहुंच गई। लगता है ये पोर्टल मेरे लिए खुल गया है। बाय लूजर।